फर्स्ट हेडिंग टुडे फॉर टुडे इज टेस्ट फॉर एल्कोहल्स, है ना। अब अपन धीरे धीरे फंक्शनल ग्रुप्स पे आ रहे हैं। अनसेचुरेशन का तो अपन ने देख लिया, है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के टेस्ट अपन देख चुके हैं। अब अपन आ रहे हैं धीरे धीरे फंक्शनल ग्रुप पे। तो पहला है टेस्ट फॉर एल्कोहल्स, राइट। तो इसमें जो पहला टेस्ट अपन को पढ़ना है दैट इज लुकास रिएजेंट टेस्ट। अगेन ये सब याद रखने वाली चीजें ज्यादा हैं, है ना। लुकास रिएजेंट, ठीक है। तो लुकास अगेन उन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये लुकास रिएजेंट टेस्ट दिया। तो लुकास रिएजेंट होता क्या है, इसमें जो रिएजेंट होता है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, है ना, ZnCl2। तो जो तीन टाइप के एल्कोहल्स हैं, है ना, जो तीन टाइप के एल्कोहल्स हैं, जैसे पहला है, पहला होता है 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल की डिग्री मैं एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ। एल्कोहल की डिग्री का क्या मतलब होता है कि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है ना, ये बात अपन ने डिस्कस की थी। OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, वो एल्कोहल की डिग्री होती है ना। याद आ रहा है सबको, अगर ये दो कार्बन से कनेक्टेड है तो हम कहेंगे कि एल्कोहल की डिग्री है 2, है ना। और अगर ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो उस केस में हम कहेंगे कि अल्कोहल की डिग्री है 1, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये अलग अलग जो अल्कोहल्स हैं, अलग अलग डिग्री वाले अल्कोहल्स, वो लुकास रिएजेंट के केस में अलग अलग टेस्ट देते हैं, है ना। देखो कैसे, एक 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, दूसरा 2 डिग्री, तीसरा 3 डिग्री अल्कोहल। तो हमको कैसे पता चलता है, देखो एक अल्कोहल ये है RCOH, है ना। अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। R मतलब हाइड्रोकार्बन चेन, तो ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड होगा। तो जब आप इसमें लुकास रिएजेंट यूज करोगे तो आपको प्रोडक्ट तो ये मिलेगा, है ना। ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट देखो कैसे बनता है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अपन को मेन फोकस प्रोडक्ट पे नहीं करना है, प्रोडक्ट दिखता कैसा है, प्रोडक्ट का फिजिकल नेचर कैसा है, उस पर अपन को मेन फोकस रखना है ना। प्रोडक्ट क्या बनता है वो कोई नहीं पूछेगा, बाकी अगर आपको समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ से Cl- निकलता है क्लोराइड आयन, और वो OH- को डिस्प्लेस कर देता है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होती है, तो जो Cl- आयन है वो OH- आयन को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये प्रोडक्ट बनता है। अब इस प्रोडक्ट की खास बात क्या है कि हाँ यूज प्रेसिपिटेट, हाँ हाँ बिल्कुल, प्रेसिपिटेट पे प्रेसिपिटेट कह लो या ये कह लो कि प्रोडक्ट जो है उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, है ना। हर प्रोडक्ट की फिजिकल स्पेशलिटी होती है, इसलिए अपन इसको टेस्ट के तौर पर पढ़ते हैं। तो उसकी जो फिजिकल स्पेशलिटी है उस पर अपन को फोकस करना है, ठीक है। तो पहले मैं सबके प्रोडक्ट्स बता देता हूँ, फिर मैं एक साथ बता दूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसे अब आप 2 डिग्री अल्कोहल की बात करोगे, तो ये जो कार्बन है ये R2 से, मतलब दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो ये एक 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, और 3 डिग्री अल्कोहल में जो अपना ये वाला कार्बन है जो OH से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो तो ठीक है, वो तो आप बना सकते हो। मेन बात क्या है कि अपन को फिजिकली कैसे पता चलेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है, तो वो अपन को पता चलता है टर्बिडिटी से, ठीक है। टर्बिडिटी का मतलब क्या है, देखो अगर आपने एक बीकर लिया, है ना, अगर आपने एक बीकर लिया और उसमें आपने कोई एक्स सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, एक्स सॉल्यूशन आपने इसमें डाल दिया, फिर आपने इसमें डाल दिया है क्या लुकास रिएजेंट आपने इसमें मिक्स कर दिया, तो इस सॉल्यूशन में अगर टर्बिडिटी आ रही है, ठीक है, टर्बिडिटी का मतलब क्या है,
टर्बिडिटी का मतलब होता है क्लाउडीनेस, है ना। वैसे तो ये सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट रहेगा, और लुकास रिजेंट डालने के बाद अगर इसमें क्लाउडीनेस आ रही है, मतलब धुंधला धुंधला हो रहा है अगर सोल्यूशन, तो इस तरह से इसमें, एक सेकेंड, इस तरह से लुकास रिजेंट डालने के बाद सोल्यूशन में थोड़ी देर बाद ऐसे क्लाउडीनेस टाइप की आने लगती है, ठीक है, सोल्यूशन अनक्लियर या ट्रांसल्यूसेंट टाइप होने लगता है। तो ये जो क्लाउडीनेस है ये कितनी देर बाद आ रही है ना। अगर क्लाउडीनेस जो है वो तुरंत आ रही है, इसका मतलब वो 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर क्लाउडीनेस जो है वो करीबन 5 मिनट बाद आ रही है, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर क्लाउडीनेस जो है वो करीबन आधे घंटे बाद आ रही है, तो फिर वो 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि अल्कोहल की डिग्री जितनी ज्यादा होगी, अल्कोहल उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। तो अल्कोहल उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा, तो जैसे ही आप लुकास रिएजेंट डालोगे तुरंत ही क्लाउडीनेस आ जाएगी इमीडिएटली, क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है ना। और जैसे जैसे आप डिग्री कम करते जाओगे क्लाउडीनेस आने का जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब अपन इसको लिख लेते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। देखो इसको यहाँ पर लिख लो, एक मिनट रुको सर। हाँ, एक डाउट था। सर इसमें टेम्परेचर भी है क्या? टेम्परेचर का रोल नहीं है इसमें, टेम्परेचर का रोल नहीं है। तो आप इसमें ये लिख लो कि जो क्लाउडीनेस है, क्लाउडीनेस अपीयर्स, है ना, क्लाउडीनेस अपीयर्स इन 1 डिग्री अल्कोहल में स्लो रिएक्शन होगी, तो ज्यादा टाइम लगेगा 30 मिनट रफली, आधे घंटे में, है ना। यहाँ पर सेम लाइन लिखना, क्लाउडीनेस अपीयर्स इन रफली 5 मिनट्स, और यहाँ पर जो क्लाउडीनेस है, क्लाउडीनेस अपीयर्स तुरंत, इमीडिएटली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे फिर अपन डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। क्लाउडीनेस आ रही है तो लुकास रिएजेंट के केस में अगर क्लाउडीनेस आ रही है तो ये कन्फर्म हो गया कि अल्कोहल है, और कौन से टाइप का अल्कोहल है तीनों में से, तो उसके लिए आप टाइम देख लो कितनी देर बाद क्लाउडीनेस आ रही है, राइट। टर्बिडिटी का मतलब क्लाउडीनेस है क्या? हाँ, टर्बिडिटी का मतलब क्लाउडीनेस है। इसको आप लोग लिख भी सकते हो यहाँ पे, मैं नीचे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, है ना, टर्बिडिटी एंड क्लाउडीनेस आर सेम, मतलब सिनोनिम्स हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है, दे आर सेम, ठीक है। तो ये अपन को रिएजेंट याद रखना है, लुकास रिएजेंट अल्कोहल्स के टेस्ट के लिए यूज होता है, है ना, और लुकास रिएजेंट ये होता है HCl ZnCl2। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ HCl ZnCl2 दिया जाए तो आपको पहचान में आ जाना चाहिए तुरंत कि लुकास रिएजेंट की बात हो रही है, मतलब अल्कोहल्स का टेस्ट जो है ये पॉजिटिव देगा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा आप कैसे याद रख सकते हो, ऐसे ये अल्फाबेट को रिलेट कर सकते हो, है ना, अल्कोहल में। हाँ आयुष, एक मिनट, अभी अपन टॉपिक पहले खत्म कर ले, उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे। अल्कोहल में जैसे स्मॉल एल आ रहा है ना, लुकास रिएजेंट में भी स्मॉल एल आ रहा है, तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा रिलेट करके याद रख सकते हो, अल्कोहल के लिए लुकास रिएजेंट टेस्ट होगा। रिलेट करना एक्चुअली इसलिए जरूरी होगा क्योंकि अभी अपन बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे आगे भी, तो थोड़ा थोड़ा अपन को चैप्टर खत्म होने के बाद कंफ्यूजन होने लगेगा याद रखने में, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक से अपन थोड़ा थोड़ा रिलेशन बना के ज्यादा एफिशिएंटली याद कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अश्विन ने पूछा था ये, ठीक है। एनहाइड्रस ZnCl2 मतलब? एनहाइड्रस मतलब सूखा, उसमें पानी नहीं मिलाना है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन नहीं है ये ZnCl2 का। ZnCl2 के जिंक क्लोराइड कैसे करेगा इसमें, इससे करेगा ना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड मतलब HCl को पानी में मिलाया हुआ है, तो ये लिक्विड है, मतलब एनहाइड्रस सर जरूरत ही नहीं है। एनहाइड्रस, अरे अब ये सब छोड़ो यार, इतना अपन को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, है ना। आपको बस HCl ZnCl2 दिखेगा एरो के ऊपर, तो उससे अपन को समझ में जाएगा लुकास रिएजेंट लगाना है, है ना। एनहाइड्रस वर्ड पे मतलब कभी दिक्कत नहीं आएगी अपन को, तो उतना डिटेल में मत जाओ। बाकी रिएक्शन कैसे होगी तो उसका मैंने बता दिया, इसको ये एनहाइड्रस मतलब इसमें पानी नहीं मिला हुआ, ये सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं जो आपने HCl में मिलाए हैं, तो ये सॉल्यूशन जनरेट हो गया,
उस सोल्यूशन को अपन ऐसे यहाँ से ऊपर से डालते हैं, ठीक है। आयुष क्या पूछ रहा है कि सर ये रिएक्शन सोल्यूशन में होते हैं? हाँ हाँ सोल्यूशन में ही होंगे, सॉलिड में तो रिएक्शन हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स स्टेशनरी होते हैं, कोई भी रिएक्शन है वो सॉलिड फेज में हो ही नहीं सकती। जैसे ये एक सॉलिड है, इसके सामने आपने ये दूसरा सॉलिड रख दिया, तो आप अगर इसको कॉन्टेक्ट में लाओगे तो ये बस इतने पोर्शन में रिएक्शन हो सकती है सरफेस से, यहाँ पीछे वाले पोर्शन में कैसे होगी, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो तो लिक्विड्स में क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो रिएक्ट भी कर पाते हैं। अकेला HCl करेंगे तो नहीं होती होगी यार, तभी इन्होंने एनहाइड्रस ZnCl2 लिया है ना, तो अकेले HCl का क्वेश्चन भी नहीं आएगा, उसमें ZnCl2 रहेगा सामने साथ में, ठीक है। अब अपन अगले टेस्ट पे आते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और अपन को लिखनी है कि ये जो है, ये यहाँ पे मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड, कि sp3 कार्बन, वो OH जो sp3 कार्बन से कनेक्टेड है वो ये टेस्ट देता है ना, OH कनेक्टेड टू sp3 कार्बन गिव्स दिस टेस्ट। अब sp3 कार्बन का क्या मतलब है, sp3 कार्बन का मतलब वो कार्बन जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड ना हो, है ना, ये बात याद है सबको, नहीं तो मैं ये भी लिख देता हूं, sp3 कार्बन मींस द कार्बन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। sp2 और sp में क्यों नहीं होता, ये यार अभी अपन रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। इसमें जो Cl- ये ग्रुप निकलने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होता है वो उसमें स्टेबल नहीं होता है sp2 और sp में, तो वो थोड़ा आगे की बात है, हाई लेवल की, वो अभी समझ भी नहीं आएगी, ठीक है। तो उसको अभी के लिए फिलहाल तुम याद ही रख लो इसको, है ना, OH कनेक्टेड टू sp3 कार्बन। sp3 कार्बन का मतलब ये है कि उसमें वो जो कार्बन है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कार्बन ये रिएक्शन दे सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कार्बन अपन ने बनाया है ये सब सिंगल बॉन्ड है ना, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो सर ये सिर्फ एल्केन्स के साथ होगा क्या, ये सिर्फ एल्केन्स के, नहीं नहीं मतलब हाँ एल्केन्स के साथ ही हुआ, मतलब एक्चुअली ये एल्केन नहीं है, ये तो एल्कोहल्स है, तो इसको एल्केन कहना गलत होगा। तुम जो बात कर रही हो इतने पोर्शन की कर रही हो, राइट? यस सर। तो ऐसा है कि ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड का पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर एल्कीन नहीं होना चाहिए, हो सकता है कि इस चेन में आगे कहीं एल्कीन हो लेकिन यहाँ पर नहीं होना चाहिए इमीडिएटली, ठीक है। यस सर। तो एक तो ये बात है, और तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो फिनॉल और इनॉल है ना, फिनॉल मतलब ये, इसको अपन फिनॉल बोलते हैं, है ना, फिनॉल लुकास रिएजेंट टेस्ट देगा कि नहीं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बताओ। यस नहीं देना चाहिए, है ना, क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डबल बॉन्ड का पार्ट हो गया, ठीक है, तो इसलिए फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता है। और इसी तरह से इनॉल, इनॉल का क्या मतलब होता है, इन मतलब डबल बॉन्ड और ऑल मतलब डबल बॉन्ड पर एक OH लगाओ, तो इसको अपन बोलते हैं इनॉल। तो इनॉल भी ये टेस्ट देना चाहिए कि नहीं, नहीं, नहीं देना चाहिए, है ना, तो इनॉल भी ये टेस्ट नहीं देता है, ये अपन इस रूल के तहत बोल सकते हैं, ठीक है। तो लुकास रिएजेंट में इतना आपको दो बातें ध्यान में रखना है ना, पहला तो अल्कोहल्स के लिए है, फिर अगर आपको डिग्री बताना है कि कितने डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट था तो टाइम नोट कर लो, उससे अपन डिग्री बता देंगे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कार्बन, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसमें कोई भी अनसेचुरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो ये था लुकास रिएजेंट। अब दूसरा देखो, दूसरा है विक्टर मेयर्स टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट है ना, तो विक्टर मेयर टेस्ट जो है वो फिर से अल्कोहल के लिए है। लिखते जाओ आप लोग, 1 डिग्री अल्कोहल, पहले 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, फिर 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, फिर 3 डिग्री अल्कोहल के लिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, अब इसकी जो रिएक्शन है, देखो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, ये आपको शीट में भी मिल जाएगी, लेकिन इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। विक्टर मेयर टेस्ट अगर आपके पास, आपके सामने आएगा तो सिर्फ वो नाम से आएगा, तो इसकी रिएक्शन को सीरियसली मत लेना। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, एक मिनट रुको। तुम लोग ऐसा करना, इसके इसका मेरे हिसाब से रिएक्शन मत लिखो, क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बात को मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ वो लिखवा देता हूँ शीट में, मतलब नोट्स में। रिएक्शंस फॉर दिस टेस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इम्पॉर्टेंट क्या है, ओनली द फिजिकल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ओनली द फिजिकल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इसका रिएक्शन इसलिए एक्चुअली यूज नहीं करते क्योंकि इसकी रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेशन हटाने के लिए डायरेक्टली ये, अगर विक्टर मेयर टेस्ट आता है तो फिर वो नाम से आ जाता है ना, कि अ सॉल्यूशन हैज बीन पास्ड थ्रू विक्टर मेयर्स टेस्ट, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, मतलब इस टाइप से। तो डायरेक्टली जो उसका रिजल्ट है अपन वो लिख लेते हैं, कि इसकी जो रिएक्शन होगी है ना, मतलब रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट 1 डिग्री अल्कोहल है, रिएक्टेंट को पूरा लिख लेते हैं अपन। रिएक्टेंट जो होगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, जब वो उसमें अपन विक्टर मेयर रिएजेंट मिलाएंगे, तो जो सॉल्यूशन है वो फाइनली ब्लड रेड कलर का हो जाता है ना, ब्लड रेड कलर। तो ये फिजिकल ऑब्जर्वेशन अपन को याद रखना है, कि अगर किसी सॉल्यूशन में विक्टर मेयर रिएजेंट डालने के बाद वो ब्लड रेड कलर का हो रहा है, मतलब जो सॉल्यूशन था उसमें 1 डिग्री अल्कोहल था। हाँ, शीट में कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस दिए हुए हैं, तो इसलिए मैंने उसको बता भी दिया कि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई फिर भी अगर शौकिया तौर पर याद करना चाहे तो वो शीट में से रिएक्शन याद कर सकता है ना, रिक्वायरमेंट उसकी नहीं होगी। और इसी तरह से आप 2 डिग्री अल्कोहल के लिए देख सकते हो, है ना, तो 2 डिग्री अल्कोहल मतलब वही R2COH, फिर से आप इसमें विक्टर मेयर रिएजेंट मिलाओ तो ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है ना। ये देखो कलर्स में डिफरेंस आ रहा है, तो कलर्स में डिफरेंस आने से अगेन अपन बता सकते हैं कि कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल रिएक्टेंट के तौर पे होगा, है ना। और जो 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो विक्टर मेयर टेस्ट को नेगेटिव देते हैं, मतलब विक्टर मेयर टेस्ट वो नहीं देते हैं, ठीक है। जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो विक्टर मेयर टेस्ट नेगेटिव देते हैं, तो इसका मतलब अपन को कोई कलर चेंज सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा, है ना, मतलब सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट था तो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, ठीक है सर। कलर चेंज होने में टाइम लगता है क्या इसमें, मतलब हमें वेट करना पड़ता है क्या कुछ वक्त के लिए, जैसे पिछले रिएक्शन में वेट किया था 5-10 मिनट? ये जो टाइम वाला फैक्टर है वो सिर्फ लुकास रिएजेंट में ही आएगा, मतलब इसी लुकास रिएजेंट में ही आपको टाइम वाला फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, किसी और में नहीं करना पड़ेगा, है ना। बाकी जितने भी रिएक्शन है वो अपन मानेंगे कि तुरंत हो रही है, मतलब या तो तुरंत हो रही है या फिर हो ही नहीं रही, ठीक है। ओके सर, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है ना, कलर से याद रखना। देखो इसको थोड़ा थोड़ा कैसे याद कर रख सकते हो, मैंने इसको कैसे याद कर रखा है, कि जैसे अपन, जैसे अल्कोहल जनरली पीपल कब कंज्यूम करते हैं सोशली, जब वो उन्होंने कुछ अचीव किया हो, मतलब पार्टी वार्टी में, तो जैसे किसी ने कुछ विक्ट्री वो की हो, अचीव किसी भी सेंस में,
तो उस टाइम पे वो अल्कोहल को कंज्यूम करेगा पार्टी वार्टी में, है ना। तो इस तरह से आप विक्टरमेयर टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ अल्कोहल, इस बात को आप याद रख सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये किसी और फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट तो नहीं है। ठीक है सर, ये विक्टरमेयर जो टेस्ट है वो मतलब काय से बनाइए, काय से बना है मतलब? अच्छा रिएजेंट्स पूछ रही हो क्या? यस सर। रिएजेंट्स यार इसमें इसमें तुम लोग अगर शीट में देखोगे तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड रिएजेंट्स हैं। अगर तुम कहो तो रुको मैं शीट दिखाई देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है इसमें एक के बाद एक। ये देखो ये यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रहा होगा, ये इसको पहले पी प्लस आई टू ए जी एन ओ टू एच एन ओ टू इन तीनों का जो मिक्सचर है वो एक साथ लिया जाता है। तो पहले अल्कोहल पी प्लस आई टू से रिएक्ट करके ये बनाता है, फिर ये ए जी एन ओ टू से रिएक्ट करके ये बनाता है, फिर एच एन ओ टू से ये बनता है, फिर इसमें बेस भी मिलाया जाता है बाद में, तो फिर फाइनली जाके ये ब्लड रेड कलर आता है इसमें, है ना। तो ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा याद रखना स्टूडेंट के लिए, इसलिए जनरली ये इस फॉर्मेट में नहीं पूछा जाता, डायरेक्टली बस इसका नाम ले लिया जाता है कि विक्टरमेयर टेस्ट का रिएजेंट मिलाया है तो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप बताओ क्या कौन सा अल्कोहल होगा। यस सर। ठीक है, बाकी फिर अपन अब अगले पे आते हैं। तो विक्टरमेयर टेस्ट में और कोई बात तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब अपन आते हैं थर्ड पे। अल्कोहल्स का थर्ड टेस्ट जो है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। एक सेकेंड, हाँ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है ना, बहुत बड़ा कंपाउंड होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो इसके फॉर्मूले पे आप मत जाओ, आपको अगर ये आएगा तो ये नाम से आएगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, है ना। तो बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो अल्कोहल्स होते हैं, है ना, सारे 1 degree 2 degree 3 degree ऑल टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के प्रेजेंस में रेड कलर देते हैं, है ना। तो कलर आपको बस इसमें ध्यान रखना है, रेड कलर। ठीक है, तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है ना, और बाकी तो ये अल्कोहल्स का टेस्ट है ना। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट आपको ये नहीं बता सकता कि कौन सा अल्कोहल है, मतलब किस टाइप का अल्कोहल है। ठीक है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट बस आपको ये कंफर्म कर देगा कि अल्कोहल है, उसकी डिग्री अपन इस टेस्ट से नहीं बता पाएंगे, राइट सर। हाँ बोलो सर, यदि हमें क्वेश्चन में अल्कोहल दिया है और उसका कलर दिया है रेड, तो हमें बोला है रिएजेंट आइडेंटिफाई करो, तो हम विक्टर मेयर के ब्लड रेड और इसके रेड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब हम देन रिएजेंट कैसे पहचानेंगे? आपको एक्चुअली रिएजेंट पहचानने के लिए नहीं आता क्वेश्चन में, रिएजेंट दिया रहता है और या तो आपको रिएक्टेंट पहचानने के लिए आता है या फिर आपको कलर पहचानने के लिए आता है, है ना। रिएजेंट अपन को कभी नहीं पहचानने के लिए आता, ठीक है। रिएजेंट आपको हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में, या तो बात इसकी होती है या बात इसकी होती है, ठीक है। तो बाकी अभी अपन और क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को समझ में जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है वो अपन लिख लेते हैं कि इसमें भी वही वाली बात कॉमन है जो लुकास रिएजेंट में थी, OH कनेक्टेड टू ये वाला जो पॉइंट था, है ना, ये एज इट इज आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। सर ये पॉइंट विक्टरमेयर के लिए भी है क्या? नहीं नहीं विक्टरमेयर के लिए नहीं है ये, मतलब जो पॉइंट अपन जहां लिख रहे हैं वो पॉइंट बस वहां के लिए है, उसको बिल्कुल अपन को एज इट इज याद रखना है, बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं करना, है ना। तो ये डबल एरो हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो
ये है OH connected to sp3 carbon gives this test. तो कार्बन जो है वो sp2 या sp नहीं होना चाहिए, मतलब कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए. और इसमें इसमें चाहो तो आगे लिख लो जिससे तुम याद रहे. दिस इज सिमिलर टू, किसमें था, सिमिलर टू लुकास रिएजेंट, है ना. दिस पॉइंट इज सिमिलर टू लुकास रिएजेंट. ठीक है. और बाकी एक आपको इसमें इंफॉर्मेशन ये याद रखनी है कि कई कई बार अपन को रेडॉक्स रिएक्शन पहचानना होता है, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता. मतलब ये आप इसको याद रख लो, दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन. अभी इसकी इसकी बात अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे अपन ऐसे कुछ रिएक्शंस देखेंगे जो रेडॉक्स नेचर के होते हैं, जैसे टॉलेंस रिएजेंट वगैरह. ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट अभी जब एल्डिहाइड में आएगा तो अपन उसमें देखेंगे कि वो एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है. ठीक है, तो इसके लिए ये बात ध्यान में रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, है ना. ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती अगर कहीं पे आ जाए तो. सर फिनॉल, आयुष पूछ रहा है कि फिनॉल विक्टर मेयर टेस्ट में रिएक्ट करेगा. फिनॉल विक्टर मेयर टेस्ट में रिएक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसमें अपन ने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वो उसके लिए sp3 कार्बन होना मैंडेटरी है. ठीक है, तो ये था अल्कोहल का तीसरा टेस्ट. तो देखो अब अल्कोहल के तीनों टेस्ट हो गए, है ना. मेनली आपको ये तीनों टेस्ट याद रखना है. तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है, है ना, शॉर्ट में तो कैन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, है ना, ये कैन एब्रीवेशन आप याद रख सकते हो. और मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है कि देखो ये जो है, ये जो सी जो सेकेंड अल्फाबेट है ना, मतलब पहला अल्फाबेट आप छोड़ दो तो दूसरा अल्फाबेट लुकास रिएजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एल, और जो तीसरा अल्फाबेट है वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आपको जो पहला अल्फाबेट भी अगर याद रहते हैं तो माइंड में काफी हद तक आपको नाम भी याद रहता है. ठीक है, तो इस तरह से आप चाहो तो याद रख सकते हो. तो एल्कोहल्स के ये तीन टेस्ट थे, है ना. अब अपन आते हैं, ये अपन ने कैसे लिखा, टेस्ट फॉर एल्कोहल्स, तो अब अपन लिखते हैं टेस्ट फॉर फेनॉल्स एंड इनॉल्स. टेस्ट फॉर फिनॉल्स एंड इनॉल्स. ठीक है, फिनॉल और इनॉल का मतलब अभी बताया था थोड़ी देर पहले. हाँ हाँ बताओ सर. फिनॉल इनॉल्स और इनको अलग अलग से क्यों पढ़ते हैं, ये भी तो एल्कोहल के अंदर ही आएंगे ना. नहीं, लेकिन एक्चुअली बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है ना, क्योंकि ये इसके इसका पार्ट हो जाते हैं, ये डबल बॉन्ड का, मतलब जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होने लगता है, तो थोड़ा सा इसका रिएक्ट करने का तरीका चेंज हो जाता है, है ना. Yes, तो ये भी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे ना 12th क्लास में, तो उसमें अपन डिटेल में इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कौन सा बॉन्ड कैसे टूटता है, फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होके नए एटम से कैसे बॉन्ड बनते हैं. उस टाइम में आपको डिटेल में इसका अंदर के मैकेनिज्म समझ में आएंगे, है ना. Yes, तो उसके लिए अपन को 12th क्लास तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा. बाकी जो फिनॉल और इनॉल के लिए, इसके लिए एक ही टेस्ट है, उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट. न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, है ना. तो इसमें देखो क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है FeCl3 रिएजेंट यूज होगा. ठीक है, तो जो फिनॉल और इनॉल है वो FeCl3 के साथ, बस आपको इतना याद रखना है कि फिनॉल फिनॉल या फिर इनॉल जब FeCl3 से रिएक्ट करते हैं तो वो एक वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स. वॉयलेट तो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है वो एक टाइप के कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है जिसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में, है ना. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसके बारे में मैंने शायद थोड़ा बहुत पहले कभी बताया हो. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक बड़ा ब्रैकेट होता है,
है ना, जैसे फॉर एग्जांपल K4 K4 FeCN6, तो ये पूरा अपने आप में एक कंपाउंड है और इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो अपन को बस ये याद रखना है कि इसमें न्यूट्रल FeCl3 में अगर फिनॉल या इनॉल है तो एक वॉयलेट कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है ना। रिजल्ट ध्यान में रखना है अपन को। सर डाउट। हाँ हाँ बताओ सर, न्यूट्रल FeCl3 है सर, तो रिएक्ट क्यों करेगा सर इससे? मतलब सर ये एसिडिक है क्या? मतलब सर वो न्यूट्रल है, मतलब स्टेबल होगा शायद। नहीं तो बात के मतलब जो रिएक्शन है वो केवल एसिड बेस रिएक्शन हो ऐसा नहीं होता है। अपन ने इस टाइप के भी तो रिएक्शन पढ़े हैं ना, कि जैसे एल्यूमिनियम जैसे Fe+CuSO4 Fe+CuSO4, तो ये रिएक्शन तो होती है FeSO4+Cu, है ना। इसमें कोई ऐसी अपन एसिड और बेस की बात ही नहीं कर रहे, पर तो सर इसमें न्यूट्रल की बात ही कर रहे हैं। न्यूट्रल की बात नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, एक्चुअली न्यूट्रल बेड पे उतना फोकस अपन को रखना नहीं है, है ना। मेन अपन को FeCl3 से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यार अगर ये जैसे फिनॉल एक एसिडिक कंपाउंड है, तो अगर आपने FeCl3 को एसिडिक ले लिया, मतलब FeCl3 को जैसे आपने HCl के मिक्सचर में ले लिया, तो FeCl3 का फिर एसिडिक नेचर हो जाएगा, तो फिर एक एसिड दूसरे एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। इस बात को स्पेसिफाई करने के लिए उन्होंने न्यूट्रल वर्ड लिया होगा, है ना। बाकी आपको जो मेन फोकस रखना है वो FeCl3 पे रखना है, ठीक है। Yes, sir. तो अब देखो इसको याद कैसे रख सकते हैं, मतलब मैंने इसको ऐसे रखा है, मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि ये जो फिनॉल है, फिनॉल इसको आप इस तरह से लिखो, फिनॉल है ना, फी मतलब FeCl3, ठीक है, फिनॉल, वो फिनॉल के साथ इनॉल आ जाएगा फ्री में, मतलब इस टाइप से। तो मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप लोग देख लेना कैसे याद रखना है। फिनॉल और इनॉल के बीच में डिफरेंस यार होता तो होगा, लेकिन वो टेस्ट अपने सिलेबस में नहीं है। होता तो बिल्कुल होगा, ठीक है, लेकिन उसका टेस्ट अपने सिलेबस में है नहीं। तो जो जो मैं ये ट्रिक्स बता रहा हूँ ना याद रखने की, उस पर जरूर ध्यान देना, है ना। वो चीज इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन करते टाइम, वो काफी ज्यादा संभावना है कि वो हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये अपना फिनॉल का हो गया, मतलब ये अपना अल्कोहल के सारे कंपाउंड्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अपन ने नॉर्मल अल्कोहल देखा, फिर जो sp3 कार्बन से कनेक्टेड है उनके टेस्ट देखे, और यहाँ पर अपन ने स्पेसिफिकली फिनॉल और इनॉल के लिए एक टेस्ट देख लिया, ठीक है। अब अपन आते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप में, जो कि है नाइट्रो। तो टेस्ट नाइट्रो किस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं, किसी को याद है फॉर्मूला? टेस्ट फॉर NO2, राइट, टेस्ट फॉर नाइट्रो ग्रुप, है ना। तो इस टेस्ट का नाम है मुलिकन बार्कर्स टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सारे टेस्ट के नाम। तो इसमें क्या होता है, एक ब्लैक प्रेसिपिटेट अपन को मिलता है ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड, है ना। देखो मैं लिख के बता देता हूँ, ये आप लोगे NO2, फिर इसको आप जिंक और अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करोगे, जिंक और अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करोगे तो एक कंपाउंड बनेगा RNHOH। इसमें भी थोड़ा सा रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, तो रिएक्शन पे उतना जोर नहीं दिया जाता है ना, लेकिन मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें टॉलेंस रिएजेंट भी आता है। ये देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3+NH4OH, दिस इज वॉट, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। तो मुलिकन बार्कर टेस्ट में पहले ZnNH4Cl मिलाया जाता है, थोड़ी देर बाद टॉलेंस रिएजेंट मिला दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आपको सिल्वर का प्रेसिपिटेट एक जमा हुआ मिलता है,
ये जो सिल्वर है ये आपको नीचे जमा हुआ मिलेगा, ठीक है। मेटल जब भी अकेला आएगा मतलब वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर आपको नीचे जमा हुआ मिलेगा, तो सिल्वर का जो कलर होता है मतलब उस कलर का डिपोजिशन आपको बीकर पे मिलेगा, तो उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर आपने किसी सोल्यूशन में मुलिकन्स बार्कर टेस्ट किया है और आपको थोड़ी देर बाद एक सिल्वर का डिपोजिशन नीचे मिल रहा है, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि नाइट्रो ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये मुलिकन बार्कर रिएजेंट नहीं होता, यही है ना मुलिकन्स, जो जो एरो के ऊपर लिखे हैं वही रिएजेंट होते हैं, मतलब ये ZnNH4Cl मुलिकन्स बार्कर टेस्ट में, ये वाला तो टॉलरेंस रिएजेंट है ना, बाद वाला मतलब ये जो पूरा टेस्ट है, इस पूरे टेस्ट को मुलिकन्स बार्कर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। टॉलरेंस रिएजेंट भी इसमें यूज हो जाता है एक स्टेप में, ऐसा है, ठीक है। तो कोई भी नाइट्रो हो, है ना, वो नॉर्मल नाइट्रो हो या वो बेंजीन वाला नाइट्रो हो, ये सभी के लिए वैलिड है, ऑल टाइप्स ऑफ नाइट्रो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऑल टाइप्स ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है। तो नाइट्रो का ये एक ही टेस्ट है, ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट, ये एक्चुअली ZnNH4Cl आ जाता है कहीं कहीं पे, आप इतना पोर्शन याद रख लो बस, है ना, ये वाला रिएजेंट ZnNH4Cl, ठीक है। अगर इतना याद रख सको तो अच्छी बात है, मतलब कहीं कहीं पे आ सकता है, ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे आ सकता है। तो मेन जो आपको याद रखना है कि एक सिल्वर का प्रेसिपिटेट जमा होता है ना, मुलिकन्स बार्कर टेस्ट, और दिस इज फॉर नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो ये नाइट्रो ग्रुप के लिए एक ही टेस्ट है ना, तो ये जनरली अपन को याद रहता है ना, इसको ऐसे याद रख सकते हो, एम एन, मतलब एन के पहले एम आता है, सीक्वेंस में अल्फाबेट्स आ रहे हैं एन एम, तो नाइट्रो के लिए मुलिकन्स बार्कर टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद है टेस्ट फॉर एल्काइल हैलाइड्स, अच्छा इसमें एक और पॉइंट जो आपको याद रखने में हेल्प कर सकता है वो भी मैं बता देता हूँ, मुझे याद आ गया कि अगर आपको ये याद है ना कि टॉलरेंस रिएजेंट मुलिकन्स बार्कर टेस्ट में यूज होता है, तो उससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि टॉलरेंस रिएजेंट में आपको ये पता है कि सिल्वर होता है, ठीक है। अगर मतलब ये बात आपको याद है कि टॉलरेंस रिएजेंट में सिल्वर होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो अगर किसी को ये याद है कि मुलिकन्स बार्कर टेस्ट में टॉलरेंस रिएजेंट होता है, तो उसको जो प्रोडक्ट है कि सिल्वर प्रेसिपिटेट होगा, वो याद रखने में थोड़ा सा ईज हो सकती है, ठीक है। तो आप इस बात को कि टॉलरेंस रिएजेंट इसमें यूज होता है, इसको भी आप अगर याद रख सको तो आपको एडिशनल एडवांटेज रहेगा, ठीक है। अगले कंपाउंड पे आते हैं, टेस्ट फॉर, अब अपन हेलोजेंस की बात करते हैं ना, ये अगला फंक्शनल ग्रुप है हेलोजेंस, टेस्ट फॉर एल्काइल हैलाइड्स, तो एल्काइल हैलाइड्स का टेस्ट देखो, तो इसमें इसका टेस्ट सिंपल होता है, इसमें जो भी आपका एल्काइल हैलाइड है ना, एक्स जो है वो हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी आपका एल्काइल हैलाइड है वो उसको आप सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराओ, है ना। ये टॉलरेंस रिएजेंट नहीं है, ध्यान देना, टॉलरेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं, सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट को नहीं, तो दिस इज नॉट टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट को एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराओगे, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो जाएगी, जो सिल्वर है वो हैलाइड से कंबाइन हो जाएगा, तो वो बना लेगा AgX, ठीक है। और तो अब ये जो AgX है ना, ये जो सिल्वर है ये इससे कंबाइन हो गया, ये रिएक्शन तो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये आप याद रख सकते हो, इसमें AgX बनेगा। अब अपन को आइडेंटिफाई फिजिकली कैसे होता है कि एल्काइल हैलाइड है, तो एक्चुअली बात ये है कि जैसे अगर आप बात करो हेलोजन की, तो हेलोजन कौन कौन सा हो सकता है, मतलब जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो सिल्वर क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड,
तो मैं व्हाइट कलर से तो लिख नहीं सकता, एक मिनट रुको। जो जैसे अगर जो हेलोजन है वो क्लोरीन होता तो AgCl फॉर्म होगा, तो AgCl व्हाइट कलर का होता है और प्रेसिपिटेट होता है, जो सिल्वर हैलाइड्स हैं वो प्रेसिपिटेट्स होते हैं बाय नेचर, तो वो नीचे जमा हो जाते हैं। तो अगर हेलोजन अगर क्लोरीन था तो आपको एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, अगर हेलोजन ब्रोमीन था तो आपको AgBr का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, और अगर हेलोजन आयोडीन था तो अगेन आपको AgBr का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। तो दो चीज़ों से आइडेंटिफाई हो जाता है, एक तो प्रेसिपिटेट से कि वो चीज़ नीचे जमा हो गई है, और दूसरा वो किस रंग की दिख रही है, उससे अपन को आइडेंटिफाई हो जाता है कि हेलोजन कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो सर इनके अलावा और हेलोजन नहीं होते क्या? इनके अलावा फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन तो ये टेस्ट देता नहीं है, तो बस इतनों के लिए ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। फ्लोरीन के लिए टेस्ट नहीं देता क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ब्रेक नहीं होता यार, फ्लोरीन का जो ये अपन केमिकल तीनों ही देते हैं। एक सेकंड मैं अपनी बात खत्म कर लूं। फ्लोरीन जो है वो अब केमिकल बॉन्डिंग में अपन पढ़ेंगे कि फ्लोरीन और कार्बन का ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रांग होता है, तो ये ब्रेक नहीं होता आसानी से, तो आसानी से ब्रेक नहीं होता, तो फिर फ्लोरीन अलग हो नहीं पाता, तो वो सिल्वर से कंबाइन हो नहीं पाता, तो AgF ये टेस्ट देता नहीं है। बाकी तीनों हैलाइड जो है वो इस टेस्ट को देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो X should not be फ्लोरीन, है ना। हाँ अब पूछो बाकी क्या पूछ रही थी। तो मतलब इन तीनों के लिए होता है क्या? हाँ हाँ इन तीनों के लिए होता है स्पेसिफिकली। और ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड के लिए है। और दूसरी बात इसमें ये है कि ये वाला जो टेस्ट है ये आएगा भी, काफी सारे चैप्टर्स में आएगा ये, है ना, तो ये वाला तो आपको वैसे याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, याद रखने में ज्यादा लोड नहीं आएगा इसमें। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना, ये अपना हो गया, इसमें अपना डी सेक्शन का तो काम खत्म हो गया है। अब अपन देखो उस पे आते हैं, शीट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो द ग्रुप रिएजेंट फॉर द टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स, तो एल्कोहल में एक तो विक्टर मेयर है ना पहला, एल से लुकास रिएजेंट, सी से सेरिक अमोनियम, तो उनमें से देख लो कौन कौन सा है। तो ए ऑप्शन सही आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव खुल गया क्या? यस सर। एक मिनट रुको अपन सब्जेक्टिव पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं। हाँ यहाँ पे देखो, तो विच सुटेबल रिएजेंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, फॉलोइंग कंपाउंड्स को आप कौन कौन से सुटेबल रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो ये अल्कोहल है, पहले तो अपन ने देख लिया कि भाई सब में अल्कोहल है ना, यहाँ पर ये अल्कोहल नहीं है, ठीक है। तो अल्कोहल है इसका मतलब आप या तो लुकास रिएजेंट या सेरिक अमोनियम या फिर विक्टर मेयर, तीनों में से किसी एक से डिस्टिंग्विश करोगे, ठीक है। अब विक्टर मेयर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि विक्टर मेयर से आप डिग्री को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, राइट, याद है कि ये दिखाऊं, देखो विक्टर मेयर से आप डिग्री को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, नहीं विक्टर मेयर से कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते थे, CN वाले कैन से, हाँ कैन से नहीं कर सकते, है ना, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बातें अपन को क्वेश्चन करते टाइम याद रखना पड़ता है। तो शीट दिख रही है ना, थ्योरी वाली खुल गई एक मिनट को। तो भाई अब देख लो इसमें, ये आपको OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, तो अपन को ये तो समझ में आ गया कि इनकी ये दोनों एल्कोहल है, तो इन दोनों को अपन अगर अपन कैन लेंगे तो उससे तो डिस्टिंग्विश कर नहीं पाएंगे, तो कैन तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। फिर ये वाला जो अल्कोहल है, ये देखो ये नॉर्मल अल्कोहल है ना, OH जो है वो एल्काइल पार्ट से कनेक्टेड है, और ये है फिनॉल, है ना, बेंजीन से OH डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये फिनॉलिक हो गया, है ना। तो इस देखो आप इसमें दो टेस्ट बताए गए हैं, एक तो आप लुकास रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्यों, क्योंकि लुकास रिएजेंट जो है वो ये फिनॉल और इनॉल के लिए देता नहीं है,
और सिंपल नॉर्मल वाले अल्कोहल के लिए दे देता है, ठीक है? Yes, sir. तो न्यूकास रीजन क्या करेगा, इसके साथ तो टेस्ट पॉजिटिव देगा नहीं, इसके साथ टेस्ट पॉजिटिव दे देगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फिर इसके साथ भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, है ना? ठीक है, तो लुकास एजेंट इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, तो अपन को जैसे तीन बीकर में ये तीन सॉल्यूशन रखे हुए हैं, ध्यान से सुनना, तो ये वाला कंपाउंड कौन सा, ये तो अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है? फिर अपन इन दोनों में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसमें और इसमें, लुकास एजेंट की हेल्प से। तो फिर अपन कौन सा ले लेंगे, ये फिनोलिक पोर्शन है, तो अपन फिनॉल वाला टेस्ट ले लेते हैं, FeCl3। FeCl3 क्या करेगा, इसके लिए टेस्ट पॉजिटिव दे देगा और इसके लिए टेस्ट नेगेटिव दे देगा। तो जो दो बचेंगे उसमें से अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये वाला कंपाउंड किसमें है और ये वाला किसमें। क्लियर हुआ सबको? यस सर। फिर और क्वेश्चंस देख लो, जैसे ये अपना कंपाउंड है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स करने के लिए बोल रहा है। देखो ये न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। देखो मैं इस क्वेश्चन को उस पर बताता हूँ, एक सेकेंड। ये अपन देख रहे हैं क्वेश्चन D2। तो D2 में आपको दिया है X कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O, है ना? ये तीन टाइप के टेस्ट दे रहा है। अपन इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यूट्रल FeCl3 को सिर्फ FeCl3, सोडियम मेटल टेस्ट और लुकास रिएजेंट टेस्ट, ठीक है? ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो पूछ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना? एक्स का स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है। तो देखो भैया, आप अपन इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन को दिया है, अच्छी बात है। अपन पहले यहाँ पे आते हैं, अपन को दिख रहा है कि भाई ये FeCl3 है ना? FeCl3 का टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, मतलब कंपाउंड में फिनॉल या फिर इनॉल हो सकता है। उसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, फिनॉल या फिर इनॉल हो सकता है पॉसिबिलिटी। सोडियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है ना? मतलब सोडियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, इसका क्या मतलब है? एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन की डेफिनेशन पे आओ। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जो जब ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो या फिर sp कार्बन से कनेक्टेड हो। तो इनॉल की अगर आप बात करो, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन है नहीं ना? Yes, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन है या फिर कार्बन है। तो अब एसिडिक हाइड्रोजन तब हो सकता है इस केस में जब या तो वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्टेड हो, ठीक है? तो अब बात यह है कि भाई आपको जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं फिनॉल या इनॉल, तो फिनॉल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है ना? जो फिनॉल का स्ट्रक्चर है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। लेकिन इनॉल में जो हाइड्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता ही नहीं है इनॉल में। तो इससे अपन को समझ में आया, है ना, एसिडिक हाइड्रोजन से क्या समझ में आया अपन को, कि इनॉल नहीं हो सकता। सही कह रहा हूँ सर? फिनॉल भी तो नहीं हो सकता। फिनॉल क्यों नहीं हो सकता भाई? सर क्योंकि जिस कार्बन से वो कनेक्ट होगा सर, कौन? वो भी तो डबल बॉन्ड से होगा, एक सिंगल बॉन्ड से होगा। मतलब कौन किस कार्बन से कनेक्टेड होगा स्पेसिफिकली बोलो। जिस कार्बन से ये OH कनेक्ट होगा सर, वो एक डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, एक सिंगल बॉन्ड से। हाँ सर, तो फिर वो sp2 कार्बन होगा ना सर? नहीं, तो ये तो तुम उस मिक्स कर रहे हो यार कंडीशंस को। ये तो लुकास रीजन की कंडीशन है, FeCl3 में थोड़ी ना अपन ये कंडीशन लिखी है। FeCl3 अगर टेस्ट आ रहा है पॉजिटिव, तो वो तो फिनॉल और इनॉल के लिए होता है ना स्पेसिफिकली। सर इनॉल कैसे कट किया आपने? इनॉल ऐसे कट किया कि ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये जो एक्स कंपाउंड है, अपन को ये समझ में आ गया कि ये फिनॉल या इनॉल हो सकता है। अब जब अपन सेकंड एरो पे आए, तो अपन ने देखा कि सोडियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है कंपाउंड में। तो अब देखो कंपाउंड या तो ये हो सकता है, पहले एरो से अपन को क्या समझ में आया था, कंपाउंड या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है इनॉल, है ना, इनॉल। तो
अच्छा हाँ, इसमें सही बात है यार, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये एक्चुअली ऑल है तो ये ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है। हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम, ये मैंने जल्दी जल्दी में गलत बना दिया। ये एसिडिक हाइड्रोजन की जब अपन बात करते हैं तो अपन को ऑक्सीजन से कनेक्शन देखना पड़ता है हाइड्रोजन का, है ना। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये अपन ने जल्दबाजी में थोड़ा गलत कर दिया, ये इसको अपन एलिमिनेट ऐसे नहीं कर सकते, है ना। इनॉल भी हो सकता है। सबको क्लियर हो गया ना, किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है कि अपन ने क्या गलती की थी और क्यों कर दी थी और वो सही क्यों है, ठीक है। तो चलो, एसिडिक हाइड्रोजन है उससे अपन ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि फिनॉल है कि इनॉल है। अब अपन आए लुकास रिएजेंट पे, है ना। तो आप लुकास रिएजेंट टेस्ट आपका आ रहा है क्या, नेगेटिव। तो लुकास रिएजेंट टेस्ट अपना नेगेटिव आ रहा है, और लुकास रिएजेंट टेस्ट वैसे भी फिनॉल और इनॉल के लिए नेगेटिव तो आता ही है, आता है ना। लुकास रिएजेंट वैसे भी फिनॉल और इनॉल के लिए नेगेटिव आता है, तो इससे भी अपन ये है कि ये है, ये अपन नहीं बता सकते, ठीक है। अब अपन ने पूरा पोस्टमार्टम कर लिया, अपन को ये समझ में आया कि एक्स जो है वो या तो फिनॉल होगा या तो इनॉल होगा। अब आओ वापस, अब आप दिमाग लगाओ फॉर्मूला पे। फॉर्मूला आपको क्या दिया है, C6H6O। तो जब आप इसका DU कैलकुलेट करोगे फॉर्मूले से, तो मैं तो वैसे DU नॉर्मली कैलकुलेट ऐसे कर देता हूँ, जैसा 6 कार्बन के लिए अगर आपको एल्केन बनाना है तो 14 हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। तो 14-6 कितना होता है, 8/2, 4। तो इसका DU हुआ 4, ठीक है। वही मतलब दो हाइड्रोजन कम करते जाओ तो एक DU बढ़ता जाएगा, है ना। तो DU अपना है 4, तो ये जो कंपाउंड है इसमें 4 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होना चाहिए, ऐसा आपको ये बनाना है। तो अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको 4 DU रखना है तो वो फिनॉल में ही पॉसिबल हो पाएगा, वो इनॉल में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिनॉल का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, तो ये होता है फिनॉल, है ना। ये देखो, इसमें 4 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो जाएंगे, एक तो ये रिंग और 3 डबल बॉन्ड, तो 3+1, 4। तो 4 DU इसमें चले गए, बाकी 6 कार्बन आपको रखना है, तो ये तो बेंजीन के 6 कार्बन हो गए बस, बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो अपने आप एडजस्ट हो ही जाएंगे, है ना। तो ये कंपाउंड हो सकता है क्योंकि DU4 अपन को रखना है ना, तो DU4 इनॉल में नहीं हो पाएगा। तो ये अपना आंसर है फिनॉल। सब क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। सर एक बार सर स्ट्रक्चर बता दीजिए फिर से इनॉल का। इनॉल का स्ट्रक्चर देखो, इन मतलब डबल बॉन्ड, बहुत सिंपल है, तुम नाम को पकड़ो, इन मतलब डबल बॉन्ड और ऑल मतलब OH, ये हो गया इनॉल। सर दो कार्बन जरूरी, मतलब दो कार्बन, तीन आगे, कार्बन भी हो सकते हैं, आगे और कुछ कुछ भी हो सकता है, है ना। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन इनोलिक पोर्शन बोलते हैं, यहाँ पर इन और ऑल है तो इतने पोर्शन को अपन इनॉल बोलते हैं। सर तो आर को सर अपन कुछ भी मान सकते हैं सर, फिर DU4 सर इसमें भी हो सकता है ना शायद। DU4 इसमें इसमें नहीं हो पाएगा, अपन देख लेते हैं। देखो उसकी तुम पॉसिबिलिटी चेक करने का बोल रहे हो ना, अपन पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। आयुष क्या कह रहा है कि तो सर 4 DU आ सकता है इनॉल में आर की वजह से, देख लेते हैं। देखो आपको DU 4 रखना है तो, और 6 कार्बन आपको एडजस्ट करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो और आपको OH भी रखना है क्योंकि ऑल तो आएगा ही, ठीक है। तो जैसे मान लो आप OH यहाँ पे रख रहे हो तो आपको यहीं पर एक डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा, तब ये इनॉल बनेगा, है ना। अब बाकी आप डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे रख सकते हो, तो आप यहाँ पे रख लो, फिर यहाँ पे रख लो, फिर यहाँ पे रख लो, है ना। आपने ये डबल बॉन्ड रखे हैं, ये एक मिनट रुको यार, ये सही क्यों आ रहा है, C6 इसमें DU4 आ रहा है और एक मिनट यार, ये क्लैश क्यों कर रहा है। बात तो सही है यार वैसे, देखो यहाँ पर इसमें स्ट्रक्चर में कुछ गलत तो नहीं है ना। नहीं सर हाइड्रोजन 6 नहीं आएंगे, नहीं हाइड्रोजन तो 6 आ जाएंगे क्योंकि DU एडजस्ट कर दिया ना अपन ने, हाइड्रोजन तो 6, एक मिनट रुको देख लेते हैं। यहाँ से आपको मिलेंगे 3 हाइड्रोजन, है ना,
आयुष हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन मैच नहीं करेंगे, तो वो अपन देख लेते हैं। यहाँ कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक हाइड्रोजन शायद तक पहुंच जाएंगे, और ये एक हाइड्रोजन, 6 हो गए हाइड्रोजन, है ना। तो वो तो हाइड्रोजन पे अपन को कभी दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि आप तो डीयू से ही बना दो, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब वो चीज तो होना ही है, ठीक है। तो वो तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि यार ऐसे तो फिर अपन इसमें नहीं बता सकते, क्योंकि बात सही है, इसमें 4 डीयू आ रहे हैं, अपन ने सारे रूल सही से लगाए हैं ना। एक्स जो है FeCl3 वो फिनॉल या फिर इनॉल का टेस्ट पॉजिटिव देता है, एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा, और ये लुकास रिएजेंट टेस्ट को नेगेटिव दे रहा है। लुकास रिएजेंट को फिनॉल भी नेगेटिव देता है और इनॉल भी नेगेटिव देता है। एक मिनट रुको यार, फिर ये क्वेश्चन मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, है ना। इसको मैं चेक करके बता दूंगा तुम लोग को, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अपन और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये अपना D2 हो गया। D3 देखो, an aromatic compound gives positive test and it also gives find the value of y, ये वाला question देखो। ये है question D3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने एरोमेटिक को स्पेसिफाई कर दिया है ना, कीवर्ड्स को पकड़ना चालू करो। एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका फॉर्मूला दिया है CXHOYHYO, वेयर X इज इक्वल टू 8 और Y अपन को पता नहीं है, तो इसको लिख लो CHHYO, है ना, और ये कंपाउंड एरोमेटिक है। गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ FeCl3, जब आप इसको FeCl3 से रिएक्ट करा रहे हो तो ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब ये फिनॉल या क्या हो सकता है इनॉल, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो रही है, मतलब बेंजीन तो पार्ट होना चाहिए, तो मतलब ये इनॉल तो नहीं हो सकता, सही है। तो ये अपन ने इसको तुरंत एलिमिनेट भी कर दिया, रीजन क्या है, एरोमेटिसिटी। बेंजीन में तो सर 6 कार्बन होते हैं ना, मतलब बेंजीन पार्ट होगा इस मॉलिक्यूल का, इस मॉलिक्यूल में 8 कार्बन है, उसमें से जो 6 कार्बन है वो मिलके बेंजीन बनाएंगे, बाकी 2 कार्बन क्या बनाएंगे वो अपन अभी देखेंगे आगे, ठीक है। तो इतना अपन को समझ में आया, तो फिनोलिक पोर्शन इस मॉलिक्यूल में होगा, ठीक है। एंड इट ऑल्सो गिव्स, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, एंड इट ऑल्सो गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट किसके लिए था भैया, टर्मिनल एल्काइन, सिल्वर नाइट्रेट, हाँ मतलब वो, yes, उससे बन, वो होता किसके लिए, रिएजेंट क्या है उसका, टॉलेंस रिएजेंट, फॉर टी फॉर टॉलेंस रिएजेंट, टी फॉर टर्मिनल एल्काइन्स, है ना, यस सर। तो टर्मिनल, अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, मतलब टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कंपाउंड में टर्मिनल एल्काइन भी होगा। देखो मैं इसको मेंशन भी कर देता हूं, इसी कंपाउंड को जब आप टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करा रहे हो तो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी भी होगी प्लस टर्मिनल एल्काइन भी होगा, सही है, yes, है ना। पॉजिटिव टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट से मतलब टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट है। तो बस अब इन दोनों इंफॉर्मेशन को आप इंटीग्रेट कर दो, एरोमेटिक होना चाहिए मॉलिक्यूल और साथ में उसमें टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए। तो देखो और क्या होना चाहिए उसमें, एक ऑक्सीजन भी अपन को रखना है ना। तो इन तीन बातों को देखो मैं कैसे इंटीग्रेट करता हूँ, और फिनॉल भी होना चाहिए, ये भी अपन ने देख लिया था, है ना। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को अपन को एक साथ इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखो पहले तो ये फिनॉल तो आप बना ही दो, है ना, ये बना दिया अपन ने फिनॉल, और इसमें 6 कार्बन चले गए, अपन ने देखा कि 8 कार्बन है, तो 2 कार्बन अपन को और चिपकाने हैं कहीं पे। अब वो 2 कार्बन अपन कहाँ पे चिपकाएं, तो उसके लिए अपन इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। तो टर्मिनल एल्काइन का मतलब क्या है कि
अपने को कुछ इस तरह की सिचुएशन होना चाहिए, यही होता है टर्मिनल एल्काइन। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? यस सर। तो ये वाला पोर्शन है टर्मिनल एल्काइन, तो इस ग्रुप को आप उठा के अब किसी भी एक पोजीशन पे, ये वाला कार्बन तो ब्लॉक हो गया, पांच कार्बन पे एक एक बॉन्ड अभी अवेलेबल है, तो आप इसको कहीं भी एक पोजीशन पे रख दो, ठीक है। तो इसको आप जैसे अपन ने मान लो यहाँ पे रख दिया, ठीक है, कहीं भी मतलब किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं, इस पे भी रख सकते हैं, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। एक्चुअली उसने स्ट्रक्चर नहीं पूछा है, अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो उसने वाई की वैल्यू पूछी है, तो उसने फॉर्मूला पूछा है आपसे, स्ट्रक्चर नहीं पूछा है। तो स्ट्रक्चर को लेके अपन को सीरियस नहीं होना है यहाँ पे कि सर ये एक्चुअल में कहाँ पे जुड़ेगा, है ना। क्वेश्चन पे हमेशा अपना फोकस हमेशा उस चीज पे होना चाहिए कि निकालना क्या है एक्चुअली, तो अपन कभी भी डेविएट नहीं होंगे सोल्यूशन से। तो ठीक है, अब अपन को भाई ये समझ में तो आ गया कि इसमें, अब आप काउंट कर लो कितने हाइड्रोजन है इसमें, पूछा क्या हाइड्रोजन ही पूछा है ना, हाइड्रोजन का नंबर पूछा है, अब आप काउंट कर लो। yes, तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, दो तीन चार पांच छ, है ना। तो टोटल इसमें कुल जमा कितने हाइड्रोजन होंगे, सिक्स। आंसर आएगा अपना क्या, सिक्स। समझ में आया, क्लियर हो गया ना सबको? यस सर। ठीक है भाई, तो अब आप खोल लो सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव जो अपन को डिस्कस करना था, और उसके बाद फिर अपन एक पिछले क्वेश्चन में डाउट था इसमें। हाँ बताओ, इसके पिछले एक सेकेंड। हाँ बताओ सर, इसमें सर जब फिनॉल है, सर फिनॉल में सर अपन वो देखते हैं सर, जो ये सोडियम होता है सर, जब मतलब एसिडिक हाइड्रोजन बनता है सर, अपन जब ये कंडीशन लगाते हैं ना कि वो सी एस पी कार्बन होना चाहिए, तो सर फिर हाँ सी एस पी कार्बन होना चाहिए बिल्कुल सर। लेकिन सर फिनॉल में नहीं होता ना वो? नहीं, तो हाइड्रोजन की बात होती है, हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो तब वो एसिडिक होगा, या फिर हाइड्रोजन सी एस पी कार्बन से कनेक्टेड हो तब वो एसिडिक होगा। यस सर। समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है, अब अपन शीट ओपन करते हैं। एक सेकेंड, हाँ तो इसमें आपको पूछना था सेक्शन सी डिस्कस करना अपन को ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव का तो हो ही गया था क्लास में शायद सर, डीपीपी भी करनी है। हाँ डीपीपी भी करनी है, लेकिन अभी देखते हैं यार कितना टाइम बचता है, एक डीपीपी करने की अपन कोशिश करेंगे एटलीस्ट। ये सीवन बताओ, अरे ये तो सब्जेक्टिव है, एक मिनट रुको ऑब्जेक्टिव खोलता हूँ। हाँ तो बताते जाना किस किस में डाउट है ना। आयुष ने पूछा है सर C6 एक मिनट रुको C1 देख लेते हैं पहले। व्हेन वन मोल ऑफ द गिवन कंपाउंड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, है ना, इसका एक मोल सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है, तो कितने मोल हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है? तो वही है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन देख लो, इसमें कितने हाइड्रोजन एसिडिक आ रहे हैं, ये एक ही हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, और कोई हाइड्रोजन तो एसिडिक है नहीं, तो एक हाइड्रोजन एटम अपन को मिलेगा। मतलब अगर आप H2 गैस की बात करो तो इसको फिर आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अपन को वन हाइड्रोजन चाहिए प्रोडक्ट में, तो इसलिए 0.5 मोल। क्लियर हुआ पाखी? यस सर। और बताओ कौन सा, C2? यस C2 का पार्ट 2 सर, पार्ट 2 C2 में डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? पार्ट 2 के C2 में डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन ये है ना, तो इसको तो पूरा देखना पड़ेगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका सही आंसर क्या है? सी सी में अगर आप डी यू कैलकुलेट करोगे तो 2 आएगा, इसमें तो डी यू ही गलत आ रहा है ना आयुष, सी ऑप्शन में डी यू 2 आ रहा है और इसमें डी यू 3 आ रहा है। तो जब तुम C4H6 के फॉर्मूले से डी यू कैलकुलेट करोगे तो 2 आएगा, है ना, तो डी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, डी यू गलत हो गया इसमें। सर उसमें शायद वैसे ही 5 कार्बन है शायद। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। यस सर। ये लॉजिक भी एकदम सही है कि 5 कार्बन है उसमें, क्वेश्चन में अपन को 4 दिए है ना, अच्छी बात है। और कौन सा बता रहे थे? C6? यस सर।
C6 देखो भैया, identify the hydrocarbon having molecular formula this. सर इसका C option और A option सर एक जैसा लग रहा है. C option और A option एक जैसा तो नहीं है, वो तो मेरे को देख के समझ में आ रहा है DU का फर्क है. नहीं सर, मतलब इसमें भी terminal alkyne होगा, उसमें भी होगा. नहीं लेकिन फॉर्मूला भी तो मैच करना चाहिए ना. अगर DU चेंज हो रहा है दो मॉलिक्यूल का, तो उनका फॉर्मूला सेम हो ही नहीं सकता. यस सर. है ना. तो C5 के लिए H12 मतलब DU आना चाहिए. इस कंपाउंड का जो DU है C5H6 का 12-6 मतलब 3 आएगा DU. तो C ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि C ऑप्शन में DU 2 दिया है. यस सर. और बताओ सर. C3 में भी डाउट. हाँ C3 में बताओ. C3 में कुछ बता सकती कौन से पार्ट में सर? मतलब पूरे पार्ट. देखो C6H10 जो है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट को पॉजिटिव दे रहा है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. ठीक है. और इसका DU कैलकुलेट कर लो C6H10 का, कितना आएगा? 2 आएगा DU. yes, है ना sir. तो DU 2 आएगा. तो और अपन को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. ठीक है. बाकी O3H2O2 से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है. रुको, एक करके बताना पड़ेगा. C3 एक मिनट में इसमें ओपन कर लेता हूं. ये है पेज नंबर 11. तो क्वेश्चन है ब्रोमीन क्वेश्चन आपको दिया है C6H10 ब्रोमीन वाटर से तो पॉजिटिव टेस्ट देता है, लेकिन O3H2O2 से मतलब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइज हो गया है ना, इससे आपको ये कंपाउंड मिल रहा है. ठीक है. और इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. इन क्वेश्चंस में हम ऑप्शन की हेल्प हमेशा लेते हैं, उससे हमारा टाइम काफी बचता है. ऑप्शन की हेल्प ले ली थी ना पाखी? यस सर, वो तो ली थी, बट ये O3H2O2C मतलब लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा था. ये पहली बात तो ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस है, ये याद होना चाहिए अपन को, है ना. और उसके आगे देखो, अब देखते हैं. तो आपसे आइडेंटिफाई एक्स मतलब इसका स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है. ठीक है. C6H10 तो इसका जब आप DU कैलकुलेट करोगे तो इसका DU आएगा कितना? CH14 मतलब इसका DU आएगा 2. ठीक है. और ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, मतलब इसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए तभी ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव आएगा, है ना. तो अब इतने पोर्शन से तो खैर ये चारों ऑप्शन क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना, क्योंकि तीनों में अनसेचुरेशन आ रहा है तो ब्रोमीन वाटर सॉरी चारों में अनसेचुरेशन आ रहा है तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो चारों पॉजिटिव दे देंगे. अब DU2 किस किस में नहीं आ रहा उसको एलिमिनेट कर दो. तो यहाँ पर DU3 आ रहा है तो इसको तो पहले मैंने हटा दिया, है ना. बाकी तीन में से कोई एक ऑप्शन सही है. ठीक है. अब जब आप इसको ओजोनोलाइसिस कराओगे तो आपको CCCOOH मिलना चाहिए, है ना. तो देखो जब आप यहाँ से ओजोनोलाइसिस कराओगे तो यही ये ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो जाएगा COOH. सही है बाकी. और यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो जाएगा. यस. तो जब आप इसका ओजोनोलाइसिस कराओगे तो इससे आपको यही वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा. कितने? 2 मॉलिक्यूल्स इसके, है ना. इमेजिन हो पा रहा है ये? यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ से COOH और यहाँ से COOH. ठीक है. यस सर, ये तो हाँ. तो और तुम्हें किस ऑप्शन में डाउट था? मतलब बी वाले में. बी में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बी में एक कार्बन फिर COOH, है ना, और यहाँ पर 3 कार्बन के बाद COOH तो ये प्रोडक्ट अलग ही बन रहा है. ये तो 2 कार्बन के बाद COOH है तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता. सही है. यस हाँ आगे, है ना. और बाकी ऐसे डी में भी देख लेना, डी में भी नहीं होगा. डी तो दिख रहा है, डी तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है.
क्लियर हो गया बाकी? यस सर। ठीक है अगला बताओ। C8 का भी ऑप्शन। C8 यस सर। C8 C8 का बी ऑप्शन। कंपाउंड गिव्स प्रेसिपिटेट। देखो इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। C8 क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड ए C5 C3 H5 N। आयुष क्या कह रहा है कि C8 में ऑप्शन सी का साइन क्या है? बस वो समझ नहीं आया, क्वेश्चन तो बन गया। ऑप्शन सी का साइन, अच्छा वो मैं बताता हूँ एक मिनट। तो C5 C3 H5 N गिव्स प्रेसिपिटेट विथ टॉलेंस रिएजेंट। इसका मतलब ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट तो पॉजिटिव दे रहा है ना, मतलब इसमें टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए। ठीक है, टर्मिनल एल्काइन इसमें प्रेजेंट होना चाहिए और साथ में ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहा है ऑन एडिशन ऑफ सोडियम मेटल। तो मतलब इसमें ये सोडियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, मतलब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप चार ऑप्शन जो दिए हैं उनको देख लो एक एक करके। तो जो पहला ऑप्शन दिया है वो है C C C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें आप देखोगे तो टर्मिनल एल्काइन तो है नहीं, है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, फिर आप बी ऑप्शन देखो। मैं पहले ऑप्शन लिख ही देता हूँ सारे, ये N C फिर C C N और डी में अपन देखेंगे C N C। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। ए ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। बी ऑप्शन चेक करते हैं, टर्मिनल एल्काइन है और एसिडिक हाइड्रोजन को हमें चेक करना है। तो एसिडिक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन या तो नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो, वो हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है, या फिर वो टर्मिनल एल्काइन का पार्ट हो। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है ना, ये ऑप्शन सही हो सकता है। सी ऑप्शन और देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन में आपको दिखेगा कि इसमें टर्मिनल एल्काइन नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है टर्मिनल एल्काइन नहीं है, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बस बी ऑप्शन ही सही। साइन क्या है सी ऑप्शन में? वो साइन क्या है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है। फिलहाल के लिए इसको ट्रिपल बॉन्ड मान लो, है ना, मतलब ये जो एरो दिख रहा है उसको आप सिंगल बॉन्ड मान सकते हो फिलहाल के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो ये सेक्शन सी हो गया कंप्लीट। ये था क्वेश्चन C8। डीपीपी देख लेते हैं। डीपीपी A9 थी, राइट? A9 और A10 थी, अपन अभी फिलहाल A9 ही डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क में ग्रुप पे डाल दूंगा आयुष, सेक्शन डी करेंगे अपन होमवर्क में। A7। हाँ भाई बताओ। क्वेश्चन फोर, फोर्थ क्वेश्चन देखो। हाँ लीव कर सकते हो, जिसने भी डीपीपी अटेम्प्ट नहीं की है या मतलब एलिजिबल नहीं है अटेम्प्ट करने के लिए, वो चाहे तो लीव कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन फोर, है ना, डीपीपी 9 का। तो इसमें शायद ये ऑप्शन जो है वो √3। चलो ऑप्शन तो ठीक है, वो तो तुम कैलकुलेट कर लेना, मैं बता देता हूँ। लिथियम 3+ एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल वेयर डी ब्रोगली वेवलेंथ हैव द रेशियो। तो दो अलग अलग पार्टिकल दिए और सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब ये सेम है।
डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू, मतलब चार्ज ऑफ पार्टिकल और पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो एच तो सेम रहेगा दोनों पार्टिकल के लिए. इसमें डाउट क्या चंद्रमान बताओ? देखो दिमाग में फॉर्मूला नहीं आया तो भाई अगली बार से ध्यान रखना इसका, है ना. वोल्टेज पोटेंशियल आ रहा है ना, तो पोटेंशियल आ रहा है मतलब वोल्टेज वाला फॉर्मूला अपन को सोचना है. तो बस अब ये जो दोनों पार्टिकल है इन दोनों का मास अलग अलग है, आप दोनों का मास निकाल सकते हो एएमयू में. ठीक है, और दोनों का चार्ज भी आपको पता है, प्रोटॉन पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है और लिथियम 3 प्लस पर 3e चार्ज होगा. सर ये चार्ज किसका लिखते हैं, क्यू वाला प्रोटॉन का लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का? जो पार्टिकल है उसका चार्ज लिखते हैं. जैसे लिथियम 3 प्लस की वेवलेंथ कैलकुलेट करना है ना, तो लिथियम 3 प्लस का चार्ज लिखेंगे 3e. प्रोटॉन का जब वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे तो प्रोटॉन का चार्ज लिखेंगे, है ना. यस सर. तो हो जाएगा? यस सर हो जाएगा. ठीक है, और बताओ. और बताओ सर, अपनी अपनी और कोई डाउट है किसी को इस डीपीबी में, A9 में? सर 7th में था. सातवा देख लेते हैं. ये सातवा क्वेश्चन शायद शीट में भी आया था क्या? ये है क्वेश्चन 7 और आपको बोला जा रहा है, एक सेकेंड रुको, इसमें ऑप्शंस अपन देख लेते हैं एक बार. ये है कौन सा, सातवां क्वेश्चन है ना, पाई एक्स बाय पाई, एक्स बाय पाई है ये, 2x/π है ये, x/2π है और ये है कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो भैया ऐसा है, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1 इज x, ये वैल्यू दी हुई है आपको x, देन रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, उस ऑर्बिट का आपको रेडियस बताना है. ऑप्शन पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि आपको आंसर देना है एज अ फंक्शन ऑफ x एंड पाई, तो x और पाई उसमें आना चाहिए. तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाओ. डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यूवी, क्यूवी वोल्टेज वाला फॉर्मूला ही लगाते हैं अपन, वो वाला लगा लेते हैं एच अपॉन एम वी. ठीक है, एच अपॉन एम वी. तो और आपको वापस आओ, उस पर आपको निकालना क्या है, रेडियस निकालना है. तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529. देखो इसमें थोड़ा सा रिलेशन अपन को सोचना पड़ेगा. आपको देखेगा कि रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n² / z. तो आपको एक्चुअली, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको n और z को x और पाई से रिप्लेस करना है, है ना. तो देखो इसमें थोड़ा अपन को दिमाग अब लगाना पड़ेगा. सर क्वेश्चन 8 के आंसर में ऑप्शन सी के साथ ऑप्शन, हाँ वैष्णवी मैं बताता हूँ, एक मिनट एक क्वेश्चन खत्म कर लूँ. देखो आपको इसमें ऐसा करो, इसमें R अपन को लेना है ना, तो अपन को एक फॉर्मूला और पता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2π. ये याद है? यस सर. हाँ सर, ये यूज किया था. हाँ, तो ये एम वी की जगह आप डाल दो R, मतलब एम वी को रिप्लेस कर देना एन एच बाई 2πR से यहाँ पे. ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा, एक तरफ x आ जाएगा, दूसरी तरफ r आ जाएगा और पाई आ जाएगा. तो अपन को उसी में रिलेशन निकालना है, r x और पाई में, है ना. n की वैल्यू 2 डाल देना इसमें, हो जाएगा क्या पाकि अब? यस सर.
ठीक है, तो अब इसको करके देख लेना, mv की वैल्यू उठा के nh by 2 pi r यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, और ये जो वैल्यूज हैं इसको इसमें डाल देना है जिन जिन का यूज, मतलब जिन जिन की रिक्वायरमेंट हो। 8th क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर क्वेश्चन 8 के आंसर में, एक मिनट पहले 8th बता देता हूं ना मैं, क्वेश्चन 8 के आंसर में ऑप्शन सी के साथ ऑप्शन ए को भी सही क्यों किया है। क्वेश्चन 8 देख रहे हैं हम, क्वेश्चन 8 के आंसर में ऑप्शन सी के साथ ऑप्शन ए को क्यों सही किया है। तो एक्चुअली तुम्हें डाउट एग्जैक्टली किसमें है, सी में है कि ए में है वैष्णवी, मतलब कौन सा ऑप्शन तुम्हें पसंद नहीं आ रहा वो बताओ, अपन उस पर डिस्कस करते हैं सीधे। ए, तो एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम nth लेवल टू फर्स्ट लेवल, तो अरे ये वो फॉर्मूले की बात कर रहा है ना, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन बाई टू, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अपन ऐसे ही निकालते हैं ना, डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा एन प्लस, सर इसका ए और सी होना चाहिए क्या? हाँ ए और सी ही है इसका, तो वैष्णवी इसका डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा एन प्लस वन बाई टू वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, आप डेल्टा एन को कैलकुलेट कर लो, डेल्टा एन हो जाएगा एन माइनस वन, तो जो सैंपल वाला फॉर्मूला है ना बेसिकली नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ सैंपल वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। तो हाँ एक मिनट, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, और जैसे स्पेसिफिकली अगर एन की वैल्यू 4 रख दे तो फिर कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है, तो मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हैं तो ए ऑप्शन भी सही हो सकता है सी ऑप्शन भी सही हो सकता है, मतलब दोनों रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। क्लियर हुआ क्या वैष्णवी 8th क्वेश्चन बताओ? नहीं सर अब आ गया, मैं थोड़ा देखा वो। हाँ तो अब मैं 5th क्वेश्चन पे आता हूँ, है ना, कि क्वेश्चन 5 में मेरा आंसर ऑप्शन बी आ रहा है और सही ए है, तो मैं 5th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, 8th आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। 5th क्वेश्चन देखो, इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर इक्वल फॉर अ पार्टिकल देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये तो हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5th, है ना, इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर इक्वल फॉर अ पार्टिकल, मास भी, मास और वेलोसिटी की वैल्यू बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये ऑप्शंस अपने चेंज हो गए, इसमें क्या ऑप्शंस हैं, एम एच बाय के ई, मतलब देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आपको बताना क्या है, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शंस मास, एच और काइनेटिक एनर्जी इस टर्म्स में दिए हुए हैं, तो यही अपन को लैम्डा की वैल्यू बताना है ना, तो मास और वेलोसिटी बराबर है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हो रही है, पहले सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूला लगाओ एच अपॉन एम वी, अब देखो कि आपको हटाना क्या क्या है, एच तो चलेगा एम वी चल जाएगा, अपन को ये हटाना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम के ई, है ना, ये अपन ने नोट्स में भी लिखा है। यस सर। तो अब आपको ऑप्शंस में एक मिनट रुको, लेकिन इसमें ए ऑप्शन सही बता रहा है ना, एम एच बाय टू के ई, ये इसमें इन्होंने ए ऑप्शन सही बताया है, तो आपको बेसिकली अब इसको इस फॉर्मेट में मैन्युपुलेट करना पड़ेगा, दिक्कत ये है, तो मैन्युपुलेट आप कैसे कर सकते हो, देखो देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये अपना आ गया, अब मास और वेलोसिटी बराबर है, तो ऐसा करो सबको एक ही उसमें ले आओ, है ना, एक ही उसमें ले आओ से क्या मतलब है, देखो आप इसको लिख दो, आप वेलोसिटी को लिख दो, देखो आप ऐसा करो इसको छोड़ो, थोड़ा सा क्वेश्चन ने हल्का सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है,
आप ऐसा करो, वेलोसिटी जहां जहां वेलोसिटी है सबको मास से रिप्लेस कर दो, तो ये जैसे वेलोसिटी है मास से इसको रिप्लेस कर दो h बाय m स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना आंसर है। अब ये अपन चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। जैसे ए ऑप्शन हम देखें तो ए ऑप्शन है आपका एम एच बाय टू के ई, तो जहां जहां पे मास है उसको ऐसे ही रहने दो, जहां जहां पे काइनेटिक एनर्जी को लिखो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और जहां जहां पे वेलोसिटी है वहां पर उसको मास से रिप्लेस कर दो, तो ये मास स्क्वायर हो जाएगा। एम इंटू एम स्क्वायर मतलब ये एम क्यूब हो गया, है ना, एम और ये एम क्यूब कट गए, क्या बचेगा एम स्क्वायर। ये देखो ये दोनों मैच कर गए, तो मतलब ए ऑप्शन सही है। समझ में आया वैष्णवी अपन ने क्या किया, अपन ने इस बात का यूज कर लिया है ना, अपन को मास और वेलोसिटी बराबर दिया है, तो अपन ने अपन को दो चीजें बराबर दी है, तो अपन ने क्या किया कि अपना जो आंसर आया उसको अपन एक वेरिएबल में ले आए, और जो जो ऑप्शंस हैं उसको फिर से अपन एक ही वेरिएबल में ले आएंगे, या तो मास में ले आओ आप या वेलोसिटी में ले आओ, तो उससे अपना आंसर मैच हो जाएगा। क्लियर हुआ वैष्णवी? यस सर। और बताओ इसके अलावा भी कोई डाउट है क्या किसी क्वेश्चन में किसी को? ये वाला क्वेश्चन अच्छा था जिसमें जुगाड़ करनी थी थोड़ा, तो कोई डाउट नहीं है तो फिर अपन अगली डीपीपी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, और होमवर्क में वही अपन अगला सेक्शन ले लेते हैं सेक्शन डी, ठीक है। तो इतना होमवर्क रहेगा, बाकी फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो गुड बाय स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।